শ্রী সিদ্ধান্ত সরসতি বিজয় গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ্বন্দ্বিদম্বিত শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদিত से नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छा कल्पतुर्वशकृपासिन्धुव्यवश्च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं वाचालङ् पङ्गुङ्लङ् हैतगिरिं यकीमह वंदे परमांदमाधवृंदव तुषदे वैप्या वैकेश स्न भक्तिपदे देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर সংকীর্তনে কৃষ্ণ কত উপদেশ গৌরী অপত্রসূ প্রকাশনি চ গুরু ভক্তিযুক্ত ভক্তি प्रमोद अक्ष जगব বন্য দeyim সদা পরিভবগ্ন भविষ্ট দোহম তেথাস পদম শিব विरुঞ্চন শরণ্য

श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुने नंद गौर गदाधर शिवसादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेंद श्री आदत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण

विषाम बरोजरु जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, 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 राम नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरोर्बन्दितो दिग्ध्वरूपं च मुक्तिं च तदासिनित्तं। स्नित्यं भावानुरूपेण सदा नरनं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विपुशी तबाम भागम नारायणों प्रिय मनुंगो मधा पहारम बरान से पुरापति भजवी शनाथम वागी सजुष्ट बदने लक्ष्मीर जस মহে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে বৈগুণ কীচকলিত পৈশন্ন ব্রৌণ দৈনার্নমগ্ন হম শ্রী চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয় বৈগুণ্য কীট কলিত পৈশুণ্য ব্রৌণ পীড়িতমগ্ন হম শ্রী চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয় গৌরী গোষ্ঠীপতি শ্রী শিলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বী ভোপা পরমশ জগদ্গুরুজি বত দু আদমি, श्री कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी जी का इसका ऑथेंटिसिटी का बारे में सवाल उठा रहा है ये लोग कह रहे हैं जो अपना परिचय ऐसे परिचय अपना परिचय ऐसे रख दिया जिन्होंने अपना परिचय ऐसे रख दिया सब कोई के सामने इसका बारे में क्या सोचना है इसका लिखने में क्या रखा है क्या पढ़ के क्या करेगा गौरी गोष्ठी पोती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने हो पहा परमंश जगत गुरु जी ने बताए दुनिया का आदमी शिला कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी का ऑथेंटिसिटी का बारे में सवाल उठा रहे अरे महाराज जी आदमी अपना परिचय ऐसे दे रहा है इसका लिखने में क्या विशेष रखा है पर के क्या करेगा ये तो अपना परिचय दिया पतित आदमी ये तो आपने को पतित आदमी बोल के परिचय दिया है इसका बारे में पढ़ के सुन के समझ के क्या करें पौपद कह रहे हैं दुनिया का आदमी का अंदर इतना सारे फॉल्सिगो है अभिमान है ये लोग गुरु वैष्णव का जो दैन्य है गुरु वैष्णव का जो अंतर से जो दैन्य भाव है इस दैन्य भाव को उल्टा समझता है ये दैन्य भाव को वैष्णव का जो एकदम दैन्य भाव एकदम एप्सिल्यूट जो दैन्य भाव है इसको ये लोग उल्टा समझता है ये लोग समझता नहीं मेटेरियल जगत में जो आदमी का जितना मेटेरियल एजुकेशन है सम्मान है जितना लाभ पूजा प्रतिष्ठा हासिल किया हुआ है इस जड़ जगत का विचार में इस जड़ जगत में जिस आदमी जितना लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान प्रतिपत्ति को हासिल किया है इस आदमी का सम्मान समाज में सबसे ऊंचा है और अपराकृत जगत में ऐसा विचार नहीं चलता अपराकृत जगत में देखा जाता है किसका दैन्य जितना है जिसका दैन्य भाव जितना ज़्यादा है जिसका दैन्य भाव जितना ज्यादा है उसको सबसे बड़ा माना जाता है होइलो सर्वगुने गुनी महाशय प्रतिष्ठा स त्यजी करो अमानी हृद्वय ऐसा विचार हमारा वैष्णव जगत का है होइलो सर्वगुने गुनी महाशय प्रतिष्ठा सत्यजी करो अमान्यद्वाय अपरागिक जगत में जिसका पोजीशन जितना ऊंचा है और प्राकृत जगत में जिसका पोजीशन जितना ऊंचा है उतना ही उसका दैन्य ज़्यादा है बिनाम्रभाव है देखो सनातन गोस्वामी देखो रूपू गोस्वाई का बात रघुनाथ दास गोस्वामी जी सारे एक से एक गौरंग महाप्रभु का निजी जन है पार्षद है ये लोगों का बारे में जितना ही जितना ही ग्लोरीफिकेशन किया जाए ये वैष्णव लोगों का बारे में जितना ही प्रशंसा ग्लोरीफिकेशन किया जाए वो भी बहुत कमती है कम है कुछ नहीं है इतना सम्मान है इतना इज्जत है जड़ जगत का आदमी ये अनित्य है जड़ जगत का आदमी जो प्रशंसा और निंदा मेरे को कर रहा है ये भी अनित्व है और मैं भी अनित्व हूँ जड़ जगत का प्रशंसा निंदा ये जड़ जगत का आदमी जो कह रहे हैं इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसका एक बेसलेस है जड़ जगत का जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जड़ जगत का जितना भी इज्जत है पैसा है सब सब दो दिन का है सब दो दिन का सब दो दिन का खेल है और कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जर जगत का आसमी इसी को ही ज़्यादा इज्जत देता है ये जगत का यही नियम है कृष्णदास कोविराज गोस्वामी को जी जब अपने को परिचय दे रहा है जगाई मादाई होते मुई से पापिश् पूरी शेर कीट होते मुई से लोगिस्त मोर नाम जय लय तार पाप है मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय एम निघृण्य मोरे के बा बिनु जगत संसारे कृष्णदास कोबिराज गोस्वामी को अपना परिचय ऐसे हम लोग का सामने धर दिया कृष्णदास कोबिराज गोस्वामी को हम लोग का सामने ऐसा ही विचार धर दिया देखो जगाई मदाई से भी मैं गिरा हुआ इंसान हूँ जगाई मदाई से भी मैं गिरा हुआ इंसान हूँ जगाई मगाई जगाई मदाई वैसे मुई से लोगिस्ट हो और टट्टी का ये टट्टी का जो कीड़े टट्टी का जो कीड़े हैं ये कीड़े से भी मैं उससे भी नीचा उससे भी नीचा इतना भयंकर मेरा परिस्थिति पूरी शेर की हुई तो मुई से हमारा नाम जो लेता है उसका पाप होता है मेरा नाम जो सुनता है उसका अपना पुण्य का क्षय हो जाता है इतना निघृन हूँ इतना गिरा हुआ हूँ क्या मत पूछो मेरे से मेरे से नीचा कोई नहीं है मैं पूरा तमाम दुनिया का हिसाब किताब करो तो आप देखोगे मैं सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान हूँ जब ऐसा विचार कृष्णदास विराज गोस्वामी हमारा सामने पेश कर दिया क्या हम सोचेंगे कृष्णदास कृष्णदास विराज गोस्वामी वाकई ही सचमुच से इतना गिरा है क्या सोचेंगे हम हम सोचेंगे कृष्णदास विराज गोस्वामी सचमुच इतना गिरा हुआ इंसान है बिल्कुल नहीं बात कह रहे हैं कि सुदास कोविराज गोस्वामी या रूप गोसाई पाद सनातन गोसाई पाद ये जो अपराकित ये जो अप्राकित द्वइनों का प्रकाश करते हैं तो दुनिया का जो आदमी है दुनिया का जो दुनिया का जो अहंकारी आदमी है जो फॉल्सिगो से भरपूर है वो सोचता है कि कृष्णदास कौरी के सचमुच गिरा हुआ पोपात है वो बात कहते हैं अपराकित जगत का हिसाब किताब थोड़ा अपराकृत जगत का हिसाब किताब कुछ और है अपराकृत जगत का हिसाब किताब कुछ और है मतलब यहाँ जो जिसका जितना दैन्य है वो उतना ही ऊंचा है अपरागित जगत में अपराकृत जगत में जो जितना ऊंचा है उतना दैन्य दिखाता है जो जितना दैन्य दिखाता है वो उतना ही ऊंचा है मतलब कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी का बारे में ऐसा सोचना भी सपने का बाहर है कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी जी का बारे में ऐसा सोचना सपने का बाहर है भगवान का निजीजन है कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी एक तरफ से गोरंग महाप्रभु का निजी जन है जब भी बाद में आया है और दूसरा हिसाब किताब देखो ये श्रीमती राधा रानी दयाम ही श्रीमती राधा रानी का सहेली है प्रिय नर्म सखी कस्तूरी मंजरी इसका प्रमाण भी है कवि कर्णपुर जी ने लिखा है और कहने जाए तो एक कहानी याद हो गया कहानी नहीं ये तो पक्का बात है हमारा विश्वनाथ चक्र ठाकुर विश्वनाथ चक्रद ठाकुर विश्वनाथ चकोती ठाकुर का विश्वनाथ चकोती ठाकुर का जो भागवत जी महापुराण का कर जो कमेंट्री है भागवत जी महापुराण का कर जो कमेंट्री है सारार्थ दर्शनी टीका सारार्थ दर्शनी टीका विश्वनाथ चकोदया लिखा हुआ अठारह किस्म का ऑथेंटिक टिप्पणी है टीका टिप्पणी ऑन भागवतम, भागवत जी महापुराण का ऊपर अठारह किस्म का ऑथेंटिक टीका टिप्पणी है एटीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमेंट्री अवेलेबल ऑन भागवतम बाट लेकिन सबसे स्वीट सबसे मीठा टीका है फिलहाल विश्वनाथ चकुर्द्व जी विश्वनाथ चकुर्द्व जी महाराज जी का गीता का टीका है भागवत जी महापुराण का टीका है सहस्र नाम विश्व सहस्त्र रंग टीका, बहुत सारे टीका टिप्पणी है इतना बड़ा विद्वान इतना मारा इतना बड़ा विद्वान भगवान का निजी जन ये असंभव है ये सोचने का बाहर है ये विश्वनाथ चक्री तो तो ये कहानी बताएं ये पक्का बात है ये सुनने से श्री कृष्णनाथ को गोस्वामी जी का बारे में आपका जो गलत फहमी है वो रेक्टिफाई हो जाएगा एक दफे श्री विश्वनाथ चकुवाद जी महाराज आ, के आपका एक दफे विश्वनाथ चकुवर्तीवाद जी विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद महाशय कृष्णनाथ कबिराज गोस्वामी जी का किया हुआ जो अष्टशाक्षर मंत्रो है न चौ सारे चौबीस अक्षर काम गायत्री इसका ऊपर जो कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जी ने व्याख्या किया कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जी ने काम गायत्री का ऊपर जो टिप्पणी किया है व्याख्या किया है हमारा बिंदाव हमारा विश्वनाथ चकुर्थिवाद महाशय ये टीका को पाठ किया पाठ करने का बाद बड़ा आनंद हुआ लेकिन एक बात समझ नहीं पाए उन्होंने बोले देखो 24 अक्षर ये ठीक है लेकिन सारे 24 अक्षर मतलब हाफ वर्ड्स हाफ सिलेबल ये क्या बात है ये तो हमने सुना ही नहीं कभी ये कैसा बात है इसका बारे में बड़ा चिंतित हो गया विश्वनाथ चकोतिवाद महाशय बड़ा चिंतित हो गया हैरान हो गया बोले महाराज यदि अगर काम गायत्री मंत्रों का व्याख्या समझ नहीं पाए उसका जो अक्षर है उसका मीनिंग समझ नहीं पाए तो हम लोगों को ये विचार याद है कि जब कोई मंत्रो अपरा जगत का मंत्रो है और मंत्र देवता मंत्रो और देवता दोनों ही इक्वल है मंत्रो और देवता दोनों एक है अगर हम मंत्र समझ नहीं पाए तो कभी भी मंत्रो देवता का साथ हमारा साक्षात्कार होना संभव नहीं मंत्र देवता एंड मंत्र ऑल इक्वल इफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मंत्र देन नेवर आई कैन मीट विद द मंत्र देवता हम इंद्र देवोता मंत्र देवोता आई कैनोट तो बड़ा भयंकर है तो हम क्या करें हमारा तो कभी अपराकृत कामदेव का साथ कृष्णों का साथ दर्शन नहीं होने वाला तो होगा नहीं तो इससे अच्छा कि हम सोरी छोड़ देंगे आई कैन लीव माई बॉडी बाई फास्टिंग एंड एवॉइडिंग वाटर टेकिंग विश्वनाथ चकुर्दया जी ने अपना प्रसाद अन्नों पानी अन्नों सब छोड़कर प्रसाद छोड़कर राधा कुंड और श्याम कुंड का जो बीच में राधा कुंड और सैम कुंड इस बीच में एक बॉर्डर है ना ये बॉर्डर में सो गया भजन कहते सॉरी छोड़ सॉरी छोड़ देंगे हम हम राधा रानी के चरण में सॉरी छोड़ देंगे या राधा रानी कृपा करके मेरे को बताएं क्या समाधान है और नहीं तो हम सरी छोड़ देंगे जब दो दिन हो गया राधा रानी को रहा नहीं गया श्रीमती राधा रानी सपने में आई विश्वनाथ चकुर्दी बात महाशय को कह रहे हैं हरिवल्लभ उठो उठो हरिवल्लभ उठो जल्दी उठो देखो ये कृष्णदास कविराज है ना ये मेरा नर्म सखी है ये कभी गलती नहीं कर सकता ही कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक सी ही इज माई प्रियोनर्म सखी कस्तूरी मंजरी एक काम करो तुम्हारा मंत्रों का अर्थ तो समझ में नहीं आया ना एक काम करो एक किताब है भी गमत एक किताब है किताब का नाम है क्या भी गमत ये भी गमत में आप देखोगे कैसे हफ सिलेबल का ट्रीटमेंट होता है आधा अक्षर इसका देख लेना इसलिए कृष्णदास कोविराज गोस्वामी के बारे में श्रीमती राधा खोद आके हरिवल्लभ अर्थात कृष्ण अर्थात विश्वनाथ चकोतिपाद जी का दिल में एक छप्पा दे के गया एक स्टैंप लगा दिया अप्रूवल तो इसके बाद विश्वनाथ को समझ में आया ये कोई मामूली बात नहीं है कृष्णदास कोविराज गोस्वामी श्रीमती राधारानी का सहेली है प्रियनर सखी है इसका बारे में उल्टा समझना सोचना भी भयंकर अपराध है यह है को विराज गोस्वामी जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये को विराज गोस्वामी जी ने ही लिखा है बैगुण्य कीट कलितो पैशुन्य भ्रौन फिर दयनार नव निमग्न हमस चैतन्य वैद्यमाश्रय पौषुन्य ब्रोणोपीड़ित मतलब हमारा अंदर में पाशविक चरित्र है आई एम एफेक्टेड विथ बिस्कटर पशु का जैसा करेक्टर है बिहेवियर है वो हमारा है इसलिए कृष्णदास कविदास गोस्वामी दोनों भाव में डूब गया दोनों का सागर में डूब के बोले भाई बैगुण कीटकुलितो हमारा दुर्गुण है हमारा अंदर में दुर्गुण है जितना सारे दुर्गुण सात दुर्गुण से मेरा हृदय भरपूर है दुर्गुण से मेरा हृदय भरपूर है और कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं है पैगुण नो कीटकुलितो बैगुण नो कीटकुलितो पैशुन्य व्रोणोप्रितो पार्श्विक चरित्रों का जो व्रण है दुष्टो फोड़ा है हैं इससे भरपूर है पूरा पूरा एकदम अब मैं कहाँ जाऊँ मेरा तो कोई रास्ता है ही नहीं तो मैं काम करूँ अपना अपना जो इतना डिप्लोरेबल कंडीशन हमारा जो इतना शोचनीय अवस्था इ दोनों के सागर में डुबकी लगा के श्री चैतन्य महाप्रभु जो सबसे बड़ा भाव वैद्य है वैद्य है डॉक्टर है इनके चरण में सहारा ले लिया पैषन्न्य व्रणपित वैगुण्यो कीटकलो पैषण्य व्रणपी तो दयनारण में निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्य आश्रय मैं चैतन्य महाप्रभु नाम का जो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर है इनके चरण में सहारा लिया अब बचा दो अब पहले वाला जो ये बताया था जो पूरी शेर कीट हुई थी म्यूशियोलॉजिस्ट हो इधर बाद में क्या बताया दुनिया का ऐसा कोई नहीं है दुनिया में ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं है जो मेरे को क्षमा करे मेरे को प्यार करे एक नित्यानंद बिनु जगत माता रे हमको क्षमा करने वाला कोई नहीं है एक चैतन्य एक नित्यानंद प्रभु है जो मेरे को एक नित्यानंद बिनु जगत मा एमो निघृण मोरे ऐसा घृणित हूं मैं इतना घृणित हूं मैं मेरे को कौन कृपा करे कोई नहीं किपा करेगा एक नित्यानंद प्रभु ये कृपा कर सकता है जो नित्यानंद बलराम दुर्योधन को भी प्रोटेक्शन देने का कोशिश किया दुर्योधन इतना गिरा हुआ है फिर भी बलदाव जी महाराज नित्यानंद बलराम ये दुर्योधन को भी प्रोटेक्शन दे रहा है और भीम दादा भीमसेन भीमसेन को बोल रहे तैने गलती किया भीमसेन को बोल रहा है तूने गलती किया तू ये जो क्लाब वेयर है ना ग्ला गोदा युद्ध गोदा 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 मान क्लाब क्लाब युद्ध चल रहा है भीमसेन और दुर्योधन दुर्योधन का टेक्निक ज़्यादा मालूम है दुर्योधन इज अबाउट टेक्निकल इज दूर्जोधन सुपीरियर टू भीम एंड अबाउट बॉडी पावर भीम इज मोर सुपीरियर बिकॉज दुरोधन इज द स्टूडेंट ऑफ बल्लाभ जी महाराज दुर्योधन बल्लाभ जी महाराज का स्टूडेंट है उन्होंने सिखाया गोदा युद्ध तो गोदा युद्ध चल रहा है उसने खड़ा है जब भीमसेन ने गलती किया ए, तेने गलती किया मार डालेंगे तेरे तो इन फेवर ऑफ दुर्योधन ये दुरोधन इतना बदमाश है जो दुर्योधन इतना बदमाश है इतना गिरा हुआ है फिर दुर्योधन का पक्ष लेकर बल्लाव जी महाराज प्रोटेक्शन देना चाह तो आप सोचो बल्लाव जी महाराज नित्यानंदो का पोजीशन, जो नित्यानंद बलराम जी ने प्रतिज्ञा करके बताया बृंदावन दश महाशय लिखा है बल्लाव जी महाराज का स्टैंडिंग कमिटमेंट है या हम इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव यू ऑल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा लहो भजो गौरोहरी भक्ति वाल तीर्थ कीर्तन करते थे लोहो भजो गौरोहरी कितना सुंदर कीर्तन है नो बॉडी टूडे आई कैन से फ्रॉम हार्ट सो नित्यानंद बबू कह रहे कि तू तेरा पार करने का जुमा मेरा ऊपर है तेरे को भव सागर तेरे को भव सागर पार करने का जुमा मेरे ऊपर है अतो तो बहुत संसाराम बुद्धित और अनुदायो में तेरा भव सागर पार करने का जुमा मैंने लिया है और तो चिंता मत कर चिंता नहीं है कुछ ऐसा नित्यानंद बलराम है कृष्णदास कविदास गोस्वामी इसी नित्यानंदो का महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि एमोन निघ मोरे किवा किपा करे मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ इतना घृणित हूँ इतना घृणित हूँ इतना पतित हूँ मेरे को कौन किपा करे एक नित्यानंद छोड़कर कोई दुनिया में नहीं है एक नित्यानंद बिनु जगत महाजन जो भी है श्री श्री चैतन्य चरितमितों का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु हिमशैल्प चैतन्य चरितमितों का मतलब क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु हिमशैल्प स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं है और एक बात बताना जरूरी है एक बात बताना जरूरी है जे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे चैतन्य चैतामित्व तो लिखते समय हर पल पल में एक एक पल पल में विनती कर रहे हैं मेरा कुछ अपराध ना हो जाए बृंदावनदास ठाकुर जी का चरण कमल में बृंदावनदास ठाकुर महाशाय जी का चरण कमल में मेरा मेरा कुछ अपराध ना हो जाए ये क्षमा करे कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी का अंदर में कभी अभिमान कुछ नहीं है ये हर वक्त कहता है ये ये हर वक्त कहते आ रहे हैं हर वक्त कहते आ रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी कृष्णदास कुराज गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर का चरण कमल में मेरा विनम्र प्रणाम है इसे अपराध किचु नहु को अमार बिंदावन दास ठाकुर चरण हैं मोर नमस्कार मेरा नमस्कार रहा बिंदावन दास ठाकुर महाशय का चरण में जिनका परिचय है चैतन्य लीला का वैस्यव चैतन्य लीला का चैतन्य लीला व्यास बिंदावन दास बिंदावन दास ठाकुर महाशय चैतन्य लीला का वैस्यदेव है मेरा कई ऐसा ना हो जाए वृंदावन दाकुर चरण कमल में मेरा कोई अपराध ना हो जाए इसे अपराध की चुनौत का हर वक़्त क्षमा प्रार्थना करते हुए ये चैतन्य चैतामित्व का संकलन किया है ये चिंता का बाहर है इन कौन सी बाइबल चैतन्य चैत्यामित्व जैसा किताब महाकाव्य चैतन्य चैत्यामित्व जैसा ये जो ये दुनिया में और एक दूसरा कुछ नहीं है सबसे अनोखा ऐसी चैतन्य चैतमितों का तीन खंड है तीन पार्ट है एक है आदि लीला द ओरिजिनल लीला उसका बाद मध्य लीला उसका बाद अंत लीला ये तीनों भाग में है चैतन्य चैतन्य तो को विभाजन किया गया इसका भी विशेष कुछ कारण है पहला अध्याय में जो नवद्व लीला का विशेष है मध्य लीला में संन्यास लेने का बाद उसका जो कुछ भी है और अंतिम लीला में एक बार महाप्रभु का विप्रलम्ब भाव से डूबे हुए अवस्था का विशेष वर्णन है यहाँ एक विशेष बात यहाँ एक विशेष बात चर्चा करना जरूरी है यहाँ एक विशेष बात चर्चा करना जरूरी है जे वृंदावन दास ठाकुर महाशय अगर चैतन्य लीला का बैसदेव है तो इन्होंने क्यों पूरा चैतन्य लीला को क्यों नहीं लिखा इफ एट ऑल वृंदावन दास ठाकुर महाशय इज द बैसदेव वाई इज नॉट गोइंग टू राइट कंप्लीटली एवरीथिंग इसका भी विशेष कारण है मैंने पहले भी बोला जो आए हुए हैं मध्वाचार्यों जी ने कुछ करके गया है उसका बाद बाकी बाद में जो महापुरुष लोग आएंगे भगवान का निजी जन सब सेवा का डिवीजन है एक एक महापुरुष का लिए एक एक सेवा भगवान दिया है सो वृंदावनदास चक्र महाशय जी ने गौरांग महाप्रभु का लीला का संकलन तो किया है ठीक है लेकिन उन्होंने खुद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है जो हमने पहले चैतन्य भागवत का नाम था चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत का पहला नाम था चैतन्य मंगल बाद में लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल लिखा है बाद में वैष्णव लोगों को वैष्णव लोगों ने बाद में वैष्णव लोगों ने विचार करके तैयार किया विचार करके तैयार किया जो इसका नाम चैतन्य भागवत होना जरूरी है पहले इसका नाम था चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत इसमें वृंदावन दास चक्र महाशय खुद शिकार किया जो हमने चैतन्य महाप्र का जितना सारे लीला हम संकलन किया और विशेष करके लीला वर्णन करने में मैं खो गया था बृंदावन दास चौर महाशय कह रहे हैं जे मेरा गुरुदेव नित्यानंद प्रभु का लीला वर्णन करने में मैं डूब गया था इतना डूब गया कि बाद में जब चेतन आया हमने सोचा रे चैतन्य लीला का तो बाकी कंप्लीट डिस्कशन हुआ नहीं चलो ठीक है बाद में कोई महापुरुष आएगा कर लेगा ये पर्पसली वृंदावन दास ठाकुर महासाई चैतन्य लीला का बैसदेव है ये स्वीकार किया है किश्वरदास कुराज गोस्वामी जी ने तो इन्होंने शायद इन्होंने दिव्य दृष्टि में देखा है कोई महापुरुष आ रहा है उन्होंने चैतन्य महापुरुष का अंतिम लीला का संकलन करेगा इसलिए सेवा को इसी तक सीमित इसी तक सीमित रख के छोड़ दिया ऐसा कारण होगा ऐसा ही कारण है इन्होंने चैतन्य लीला का वर्णन करते हुए खोद शिकार किया हमने नित्यानंद बाबू का लीला वर्णन में खो गया था बाद में जो होश आया देखा ये किताब काफ़ी स्थूल मोटा हो गया चलो ठीक है इस तक समित रखे और बाद में कोई महापुरुष आया कृष्णदास को भी घुसएँ और अरेंजमेंट बाय भगवान भगवान ने ये व्यवस्था किया है कृष्णदास को विराज गोस्वामी आए हैं और वैष्णव लोगों का आदेश हुआ कृष्णदास को विराज गोस्वामी के ऊपर एक काम करो आप चैतन्य लीला का अंतिम जो पर अंतिम लीला है सब लिखो इन्होंने मदन मोहन से आज्ञा मा आज्ञा मांगने के लिए गया था इन्होंने मदन मोहन कपार मदन मोहन जीव का पास आज्ञा लेने के लिए पहुँचे और मदन मोहन का गले से माला गिर गया और जय जयकार हो गया पुजारी ने ये माला लेकर कृष्णदास कोविदास गोस्वामी जी के गले में लटका दिया और बोलो जय जयकार सब कोई का आशीर्वाद है कृष्णदास कोविदास गोस्वामी ये खुद स्वीकार किया ये चैतन्य में चैतन्य में तो आएगा ही तो नाउ हमारा अंदर में एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा अंदर में एक क्वेश्चन है डाउट है ये कृष्णदास कुराज गोस्वामी मोर इम्पोर्टेंट देन बृंदावन दास महाशाय और बृंदावन दास चकुर महाशय मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्णदास दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एब बेसलेस इवन दिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट कम इन सैर हार्ट हमारा दिल में ऐसा किस्म का कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए अगर बृंदावनदास चगुर महाशय चैतन्य लीला का बैसदेव है तो कृष्णदास को विराज गोस्वामी भी कुछ कमती नहीं है कृष्णदास विराज गोस्वामी श्रीमती रानी का शैली पियन सखी है कौस्तूरी मंजूरी और बृंदावन दास का बारे में कोबी कर्णपुर बृंदावनदास ठाकुर महाशय का बारे में कोबी कर्णपुर जी ने लिखा है कुसुमा पीड़ा सिखा बैसदेव गोस्वामी प्लस कुसुमा पीड़ा सखा वन फ्रेंड और किश्नो एंड बैसदेव बोथ टुगेदर कमिंग इनसाइड वृंदावन बृंदावन दास ठाकुर महाशय का अंदर में कुसुमा पीड़ा सखा वन सखा दोस्त वन दोस्त एक दोस्त है वो भी आए हुए हैं और वैष्णदेव गोस्वामी आए हुए हैं दोनों आए हुए हैं दोनों मिलकर और वैरास की सुदास को विराज गोस्वामी का बारे में दो ये तो प्रमाण हमने दे दिया राधारानी स्वयं बताई है ये पीओ नर्म सखी हैं मतलब कस्तूरी मंजूरी तो दोनों में बराबरी करना कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट करना ये अपराध है बैसदेव गोस्वामी द्विपायन बैस साक्षात नारायण हैं और राधा रानी का सहेली कौस्तूरी मंजरी नॉन डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी तो इसका बारे में छोटा बड़ा विचार करना उचित कंपेरेटिव सेट में उचित नहीं है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज टोटली एब्सर्ड एंड बेसलेस यू शुड नॉट पुट दिस एनीवे सो श्री चैतन्य चैतान्यों को वंदना करते हुए हम लोग लीला का प्रथम परिच्छेद में प्रविष्ट होने जा रहे हैं कोई भी ग्रंथो शुरुआत करो कोई भी ग्रंथों का शुरुआत करे नियम है मंगलाचरण हम भी हरि कथा करने के बाद वंदे गुरुपद बोलते हैं ना तो ये नियम है किसी भी किताब लिखने जाओ किसी प्रवचन देने जाओ तो नियम है पहले वंदना करो गुरु वैष्णव भगवान का वंदना करो क्यों गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण तिने स्मरण है अनायास है निजो वांछित भक्ति बोलो बार बार बोलते थे रिपीटेडली गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण स्मरण इफ आई कैन रिमेम्बर व गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी क्लियर क्लियर नो प्रॉब्लम कैन गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण तिने स्मरण हाय विघ्न विनाशन भी ओनास हाय निजो पूरण ऑनैस मारी वेरी इजीली आई कैन फुलफिल माय हार्ट वेरी इजीली हमारा जो मकसद है आई मीन द टारगेट विथ विच आई एम अप्रोचिंग नाउ आई मीन टू कंपाइल चेतन चेतन तो इट कैन कम आउट सक्सेसफुल ये सक्सेसफुल हो जाएगा ये जो चैतन्य चौथा तो मैं लिखने बैठा है ये चैतन्य जो मैं लिखना ये तो है ही है गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण लेके कुछ भी काम करो सारे बेफिक्र रहो बेफिक्र रहो ये कामयाबी हासिल करोगे कोई चिंता नहीं है तो ये मंगलाचरण में श्री चैतन्य तत्व एज ए होल चैतन्य तत्वों का क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मीन चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ एलोन चैतन्य महाप्रभु का मतलब है पराफर्नेलिया दामा, नामा ऑल टुगेदर इस वह अन सिंह हो सो ये मंगलाचरण का प्रारंभ में किसदास कोबीराज गोस्वामी ने बड़ा सुंदर रूप से कैसे किया देखो वंदे गुरुन मिशो भक्तान मीशो मिशावतारकानो तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगकम क्या बताया वंदे गुरुनो ईशो भक्तानो मी हैं मी हैं वंदे गुरुनो ईशो भक्तानो ईशो मिशावतारकानो तत्प्रकाश तति कृष्ण चैतन्यसंगकम अर्थात द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैतन्य तत्व इज टू गुरुतत्व वंदे गुरुण हें हैं ईश शक्ति ईश प्रकाश हैं सब तत्शक्ति टुगेदर ऑल टुगेदर इज वन सिंगल तत्व और इसका व्याख्या हम करेंगे भगवान का कृपा से और बाद में बताया वंदे <Sessizia> कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदित गौरद्वये पुष्प बंत चित्तौंदौ तमो नितो वंदे श्रीकृष्ण चैतन्यो नित्यानंदो सहोदित गौर पुष्प बंतो चित्तौ सन्दो तमौनद पहले बताएं ये जो बंदे गुरुण पैसे पहले गुरु तत्व का नमस्कार कर रहे हैं पहले गुरु तत्व का नमस्कार कर रहे हैं गुरु तत्व का नमस्कार पहले कर रहे हैं ईश्वतो ईश्व भक्तो, भक्तो अद्वैत तो गोसाई আর চৈতন্য মহাপুর স্বয়ং তত্ত্ব হ্যাঁ ঈশ্বর প্রকাশ হিত্যানন্দ প্রভু ঈশ্ব প্রকাশ তৎপ্রকাশ মত তৎ মতলব সৎ ওম তৎস ওয়ান মন্ত্র ইজ দেভ্রি টাইম ইন এনি স্তোত্র এভ্রিথিং এই যে তৎ বস্তু হে তৎবস্তু সৎবস্তু হদ্বস্তু কন হম ওম তৎসৎ ওয়াট ইজ ওম दैट इज तद वस्तु दैट इज शॉद वस्तु अर्थात इटर्नली प्रेजेंट एब्सल्यूटली इन इज ओन ग्लोरिफिकेशन सो वंदे गुरुणों पहले गुरु वर्गो का वंदना करें गुरु वंदना सबसे ऊपर है क्योंकि भजन का शुरुआत से लेकर अंतिम तक भजन का शुरुआत से लेकर एकदम अंतिम तक अंतिम नहीं है यहां तक कि शोरी छोड़ने का बाद भी नित्य जगह तुम्हें जाओ जाओ वहां भी गुरु का सम्मान है गुरु का सम्मान है ही है विदाउट गुरु आई एम ब्लाइंड दैट्स वाई अज्ञानी ज्ञान सलाक्य चु रूल में तो हम जिनो तस्वे से गुरु बहनो आई एम ब्लाइंड हम तो पूरा अंधा है कुछ नहीं आई कैन सी ओनली स्टूल एंड यूरिन वो मैन मैन दिस आई कैन सी आई कैन सी नथिंग तो मेरा अंधापन मेरा जो अंधापन है अंधापन इन्फिनीटी पीरियड से मेरा जो अंधापन है इन्फिनी पीरियड से कौन हटाएगा मेरा जो अंधापन है मेरा जो ब्लाइंडनेस है हु कैन क्लियर इट मेरा अंधापन को हटाने वाला कोई नहीं है एक गुरु जी है इसलिए बंदे गुरुणो गुरुणो मीन दोजू आर हैविंग संस्कृत लैंग्वेज नॉलेज दे कैन अंडरस्टैंड गुरुणो मीन इट इज एक्चुअली प्लूरल फॉलो प्लूरल एंड इंग्लिश ऑल्सो सिंगुलर एंड प्लूरल बट संस्कृत नॉट सिंगुलर डुअल एंड प्लूरल इफ टू देन यू कैन यूज सम सिग्नल

आप लोग सब आओ एक साथ आओ एक साथ आओ हम लोग एक साथ वंदना करेंगे आप लोग एक साथ आओ हम लोग एक साथ वंदना करेंगे इसलिए दे वहां बहुवचन का यूज है वहां बहुवचन मोर देन टू थ्री मैंने काउंटलेस कैन बी थे इसका यन्मादस्व यतु अन्मयाद इतर इतरतस्वार्थी सुसभिज्ञ सराट है ये <tune> मुझ्या, जो श्लोक है तेने ब्रह्म इदा जो आदि कवये मयंती मुझ मुहंती य सूरयु तेजो बारी मिधा यथा विनिमय तिसर्ग हम तिसर्ग हम मिश्वा धामना सेनो सदा निरस्त कुकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि The absolute truth. The param vastu. You all come, together we can pray. Together we can. Single prayer may be very weakful fear. If two, then little bit powerful. If all together at a time, then the prayer Bhagavan cannot deny. If all together, everyone come, we can pray. Then Bhagavan cannot ignore us. सत्यम परम धीम ही सत्यम परम धीम ही परम सत्य उसका ध्यान कर यहाँ ऐसा ही है वंदे गुरुण ईशो भक्त्या वंदे गुरुण गुरु मीन बहुवचन बहुवचन है बहुवचन क्यों है गुरु तो एक है गुरु गुरु हो सकता है शिक्षा गुरु हो सकता है बदत्म प्रदर्शक गुरु हो सकता है थीन हू वॉन्टेड टू गाइड मी प्रिलिमिनरी वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ गो दिस वे बौद्ध प्रदर्शन दिस वे इज गोइंग टू शो मी द ट्रैक बौथम प्रदर्शक गुरु आई वॉज फॉल एंड सोल टोटली समी गई गो दिस वे डोंट डू बौद्ध प्रदर्शन प्रिलिमिनरी गाइडेंस इट कॉल बौत्म प्रदर्शक गुरु आफ्टर बौत्म प्रदर्शक गुरु आई एम आफ्टर दैट आई एम फीलिंग इंस्पिरेशन टू टेक टू टेक सेंटर ऑफ वन सदगुरु सो हम सदगुरु चरण में आश्रय लेने का बारे में सोच रहा हूं क्योंकि बदमपुरगुरु मेरे को गाइड किया तो ये जो सदगुरु का चरण में मैंने आत्मनिवेदन किया ध्यान दे इस बात पर ये जो सदगुरु का चरण में सदगुरु जी का चरण में जो आत्मनिवेदन किया है उसके बाद मंत्रो प्रार्थना की है मंत्र मिला है मेरा जो कुछ भी भजन का व्यवस्था है गुरु जी ने कर दिया है ठीक है चलो कोई बात नहीं फिर गुरु जी गुरु जी हमको शास्त्रों का उपदेश दे सकता है कभी कभी दूसरा शिक्षा गुरु मेरा दीक्षा गुरु मेरा जिंदगी में जो मेरा दीक्षा गुरु है वही शिक्षा गुरु वही हरिनाम गुरु वही सन्यास गुरु आ, शिक्षा गुरु जरूर है भक्ति वल्लभ तित्तु कुछ सेवा भक्ति विज्ञान भारती महाराज संतो कुछ सब शिक्षा गुरु मैंने ये कह नहीं सकता आई कैन नॉट एक्सप्रेस फॉल्सिगो ऐ बाई बी वोट से वो लोगों ने कृपा किया है भारती महाराज ने कृपा किया है तित्त महाराज आओ सारे कीपा के वो शिक्षा गुरु है मेरे को सिखाया मेरे को सिखाया मैं डिनाई नहीं कर सकता ना, मैं बेईमान नहीं हूँ मैं बेईमान नहीं हूँ मैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ तो ये लोग मेरा शिक्षा गुरु है तो बौद्ध बद गुरु जो हैं तो वंदे गुरुण वंदे गुरुण मतलब बहुवचन वंदे गुरुण ये जो बहुवचन व्यवहार किया है इसका कारण है दीक्षा गुरु इज ऑलवेज वन पर्सन आई कैन नॉट एक्सेप्ट टू और फाइव दीक्षा गुरु इट इज ऑफेंसिव वाई नॉट यू थिंक ट्वाइस और हंड्रेड टाइम्स बिफोर टेकिंग सेटर दीक्षा गुरु कभी एक से ज़्यादा हो नहीं सकता दीक्षा गुरु कभी एक से ज़्यादा हो नहीं सकता एक ही है दीक्षा लेकिन शिक्षा गुरु बहु हो सकता है मैंने सीखा इस भक्ति विज्ञान भारती महाराज से सीखा है भक्तिवल्लभ चित्तगो सिंह महाराज से सीखा है सत्य गोविंद महाराज संत गोष संत गु हमने सीखा है ये लोग मेरा शिक्षा गुरु है ये लोग मेरा शिक्षा गुरु है शिक्षा दिया है तो दीक्षा गुरु एक हो सकता है दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है एक ओनली वन दीक्षा गुरु बट शिक्षा गुरु कैन बी मैनी सो तो दीक्ष शिक्षा गुरु बहु हो सकता है और इसके बाद बत्म प्रदर्शक गुरु का भी सम्मान करना है क्योंकि उन्होंने मेरे को रहा दिखाया बेटा उधर मत जा इधर जा इन्होंने मेरे को रहा दिखाया ये मेरा बत्म प्रदर्शक गुरु इसलिए वंदे गुरुण बहुवचन यूज किया और वंदे गुरु ने ईश्व भक्त्यान ईश्व भक्त मतलब अद्वैत गोसाई का बारे में ऐसा वैसा मत सोचो सिलो अद्वैत गोसाई जी का बारे में ऐसा वैसा मत सोचो अद्वैत गोसाई साक्षात भगवान है सदाशिव अद्वैत गोसाई साक्षात सदाशिव है भगवान विष्णु है विष्णु जो है इसलिए लेकिन वो भक्तों का लीला किया ईशो भक्तों ईशो भक्तों का मतलब है इन वन साइड ही इज भगवान एंड अनदर साइड इज प्लेइंग द रोल ऑफ डिवोटिंग फाइव ईशो भक्तान मीनिंग ईशो भक्तान मीन वन साइड ही ईशो ईश्वर एंड अनदर साइड

ये जो चैतन्य महाप्रभु को बोला क्षमा करे ये जो बंदे गुरु नो बोला है उसका बाद ईश्व तो भक्तानो भगवान चैतन्य महाप्र स्वयं भक्तों का भक्तों का अभिनय किया है इसलिए ईशो भक्तान और ईशा अवतार इशो अवतार जो है ये अद्वैत गोसाई तो बंदे गुरुनो बंदे गुरुनो ईशो भक्तान भगवान इच्छा करके भक्तों का भक्तों का ये जो फर्ज भक्तों का जो फर्ज है भक्तों का फर्ज निभाया इसलिए क्षमा करे गुरु नो ईशो भक्तान चैतन्य पर स्वयं भक्तों का रोल किया है और ईशावतारण ईशावतार ये अद्वैत गोसाई है और, और तत्प्रकाशन जो ये जो

आपका अद्वैत तो गोसाई है ईशो भक्त जो है शिवास पंडित आदि तत्प्रकाश नित्यानंद प्रभु तत्शक्ति तत्शक्ति कौन है तत्शक्ति गदाधर पंडित गदाधर ध्यान से सुनिए तत् तत्शक्ति गदाधर पंडित शक्ति अवतार हैं तत्प्रकाश नित्यानंद बहु स्वयं हैं मिशो भक्त्यानो मिशो भक्त्यान ये जो है ये शिवास पंडित आदि वंदे ने ईशो ये अद्वैत तो गोसाई है उसका बाद श्री कृष्ण चैतन्य संग कम चैतन्य महाप्रभु स्वयं और इसका बाद तो वंदे गुरु ईशो अर्था चैतन्य स्वयं इ,

साक्षात टोटली चैतन्य महाप्रभु का टोटल चैतन्य महाप्रभु का तत्व है अद्वै ज्ञान तत्व इसके बाद बताए वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदित श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदो दोनों को एक साथ विचार करना जरूरी है कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आर नित्यानंद स्वयं बलराम है नित्यानंद स्वयं बलराम है और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं सो so, वंदे श्रीकृष्ण चैतन्यों श्रीकृष्ण चैतन्यों को वंदना करे नित्यानंदो या द्विवचन व्यवहार किया है कृष्ण चैतन्य और नित्यानंदो सह उदित एक साथ एक साथ उदय हुआ है गौरोदय जैसे जैसे कांचन जंगा, वन पार्ट ऑफ हिमालय नेम इज जंगा इन दार्जिलिंग देर इज वन हिल नेम इम्पॉर्टेंट वेरी इज कॉल कांचन जंगा मॉर्निंग टाइम सुबह के समय में सूर्य उदित होता है कांचन जंगा का उधर से उठ रहा है ऐसे गौरोदय चल इसमें इसमें ए नित्यानंदो और गौरांग महाप्रभु और नित्यानंदो दोनों एक साथ उदित तो हो रहा है इसको तुलना किया गया चंद्रमा चंद्रमा मुन मुनगौ एंड शान चंद्र चंदाई चांद अतः नित्यानंदो कैन बी कंपेयर्ड विद चंद्रमा और चैतन्य महाप्रभु सूर्य भगवान तो गौरोदय पुष्प बंदो चित्तौ सन्दो तमोनिदो चित्तों को चित्तों को हृदय को आल्हाद चित्तों को आल्हाद एन्जॉयमेंट आनंद देने वाला चित्तौ सन्दो तमोनुद तम जगत का जो अंधेरा है जगत जो डार्कनेस इन द वर्ल्ड व्हेन सन गॉड कैन एराइज कौन सूर्य भगवान जब सूर्य भगवान आसमान में उदित होता है या या चंद्रमा सग आसमान में उदित होता है तो जगत का अंधेरा जगत का अंधेरा दूर हो जाता है जब इस जगत में सूरज भगवान उदित होता है जगत का जितना तमो है तमोनुदो अर्थात तमगुन को नाश करके ये दोनों अर्थात सूरज और चंद्र जब सूरज भगवान उदित होता है को इसका नाम है दिनोमणि इसका नाम है दिनोमणि अतः सूरज भगवान उदय होने का साथ साथ जगत उजाला हो जाता है प्रकाशित हो जाता है और चंद्रमा उदित होने का साथ रात में उजाला दिखाई पड़ता है और ये औषधि जितना सारे औषधि है जितना सारे जितना सारे औषधि है ये चंद्रमा का कीपा के द्वारा इसका अंदर में पुष्टि तुष्टि आते तो ये दोनों जगत का अंधेरा नाश किया हृदय का अंधेरा नाश करने के लिए सूरज और चंद इस मेटेरियल जगत का इस जड़ जगत का इस जड़ जगत का जो सूरज और चंद्र है सूरज और चंद्रमा है ये तो जगत का अंधेरा नाश करेगा लेकिन हृदय का जो अंधेरा है डार्कनेस इनसाइड हार्ट हु कैन क्लियर सूरज भगवान ये जगत का अंधेरा नाश करेगा चंद्रमा भी वही ठीक है लेकिन हृदय का जो अंधेरा है इसको नाश कौन करे इसलिए बताया ये दोनों मिलकर हृदय का जो अंधेरा है अज्ञान है ये हृदय का अंधेरा, अंधेरा को नाश करने के लिए दोनों उदय हुआ है गौरव चल में गौर बंतो पुष्पवंतो पुष्प बंतो पुष्प बंतो में वन वन फ्लावर वेन यू इन फुल फ्लेजर फॉर्म इस कॉल्ड पुष्प बंतो बंधुओ में दोनों हैं इसलिए दिवचन व्यवहार किया पुष्प बंधु जैसे परिस्फुटितो जैसे पूर्णो जैसे पूर्णो परिस्फुटित तो कमल जैसा दोनों सूरज गोराँग और चंद्र का प्रकाश आसमान है चंद्र गौ गौरांग महाप्रभु गौरांगो और नित्यानंदो नित्यानंदो चंद्रमा गौरांग महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के गौर चांद बोला जाता है ये ठीक है तो ये दोनों को सूरज और चंद्रों का साथ तुलना किया गया है तमो अनुदो अर्था तमो अंधकार हृदय हृदय का हृदय का तमो अंधकार हृदय का अंदर में जो तमो अंधकार है ये तमोगुण को नाश करके हृदय का अंदर अंदर में जो अंधेरा है।, है इसको नाश करके जगत का मंगल किया तमाम जगत का तमाम जगत का मंगल किया काल इस विषय पर और चर्चा करेंगे आज प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो रहा है और कल फिर से चर्चा करेंगे इस विषय पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ लिखा हुआ है ये कृष्णदास कुविराज गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगल आचरण मंगलाचरण के द्वारा अपना अभिष्ट पूर्ति होता है और जगत का मंगल भी होता है सब कोई का लिए मंगल 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 कामना बहुत किस्म का होता है एक मेरे अपना लिए मंगल कामना करे वो एक आशीर्वाद स्वरूप मंगल कामना तुम लोगों का मंगल हो जाए गॉड ब्लेस यू ऐसा भी मंगल हो सकता है तो ऐसा है तीन नंबर श्लोक में लिखा हुआ है जब भी हम पहले से ही करेंगे काल ब्रह्म उपनिषदि तदप्य शनुभा य या आत्मायामी पुरुष सोशाशो विभव शरश्श्वर्यपूर्ण यो भगवान्स्वयम न चैतनिया जगति परतत्वपरमी क्या बताया जद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि जद अद्वैतम ब्रह्म जदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सतनुवा इसका मतलब है जो तत्व का बारे में ऐसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया गया इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ पर तत्व

जो इसको अद्वैत तो, अर्था अद्वै ज्ञान तत्व तो जिसको बोला जाता है इसका ही ब्रह्म उपनिषदी तदप्यस्व तनुभा इसका अंग ज्योति जो है ये ब्रह्म ज्योति है ये जो अद्वै ग तत्व अद्वै तत्व का इंपर्सनल ब्रह्म इफालजेंस तदप्यस्व तनुभा और यह आत्मातर जामी पुरुष

যাংশ বিভব অংশ কৈভব পরমাত্মা বৈভব ওর স্বরোশ্বর্যপূর্ণ ইহো ভগবান স স্বয় অগবান স্বয় ভগবান স্বয় সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান স্বয়ং সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান স্বয়ং সরস ऐश्वर्यस्व समस्व विजस्व जसस् श्रीयो ज्ञान वैराग्य सेव स्वरो भगो इंगना दैट आई कैन डिस्कस टू मोरो काल चर्चा करेंगे पहले से ही तो य इहो भगवान स्वयं अयम स्वयं अयम दिस भगवान इस पूर्ण भगवान स्वर पूर्ण पूर्ण इसका नाम है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु व एम स्पीकिंग जो लोग जो हम बोल रहे हैं अभी ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, नौ चैतन्यथ कृष्णात जगती पर ततत्व परम चैतन्य महाप्रभु का तत्व का बाद और कोई परतत्व नहीं है परतत्व का एक्सट्रीम लिमिट चैतन्य महाप्रभु ये बता नौ चैतन्य यगति पर तत्व इसका माने हो सकता है जो चैतन्य है वही कृष्ण हैं और वही परतत्व का एक्सट्रीम लिमिट और दूसरा माने होता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जे परतत्व का एक्सट्रीम लिमिट इसका बाद नहीं है एक हो सकता है नौ चैतन्य कृष्णाथ चैतन्य देव से या कृष्ण से जो चैतन्य वही कृष्ण हैं परतत्व तो और पर वस्तु नहीं है नौ चैतन्यनाथ कृष्णनाथ जगती परतत्व परमय ठीक है इसका बाद और कोई परतत्व नहीं है अब इधर जो है मंगलाचारण में गौरांगो महाप्रभु को महाबदानो गौर का अतुल अतुल दान अतुल माने तुलना नहीं किया जा सकता इसका बारे में किस्टदास कोविराज गोस्वामी हमारा रूप गोषपाद जी का लिखा हुआ है विदग्ध माधव विदग्ध माधव विदग्ध माधव ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसको उठाकर इधर दे दिया क्या दिया यहाँ लिखा हुआ है अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलऊ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति हरि पुरो सुंदर दुतिक संदीपिता सदा हृदय कुंदर स्पुरतुभ श्री सचिन तो ये रूपगोस पाद जी के द्वारा ए रूपगोस पाद जी के द्वारा लिखा गया ए रूपगोस्पाद जी के द्वारा लिखा गया विद्ग्धमाद का श्लोक है इसका भी व्याख्या काल हो पाएगा आज शायद नहीं आज पढ़ के चलेंगे हम अनर्पित चरिंग चिरातो जो अवदान भगवान का किसी अवतार में या तो भगवान स्वयं कृष्णचंद्र ने कभी नहीं दिया है अनर्पितो जो दिया गया नहीं कभी दिया गया नहीं अनर्पित चरिम चिरातो बहुत दिन से कभी भी नहीं दिया और अनर्पित चरिन चिरात कोरोनावतीर्ण कलु कली में करुणा के द्वारा वसीभूत कोरोना के द्वारा बशीभूत होकर जो उदय हुआ करुणाव कोरोनायावतीर्ण कलु ये विशेष कलिकाल में कोरोना के द्वारा बसीभूत होकर जो उतारे आए हुए हैं किस लिए आए हैं समर्पाय उन्नतोज्वल रसान हम लोगों को देने के लिए जो आ, मनुष्य जगत में ये मनुष्य जगत में जो कभी सोचा नहीं गया ये मनुष्य जगत में जो कभी सोचा नहीं गया ये चीज देने के लिए आए हैं समर्पण तुम उन्नत उज्जवल रसाम रस के अलावा जगत का कोई स्टेबिलिटी नहीं है विदाउट रसा जगत दिस इन्फिनिटी वर्ल्ड कैन नॉट फाइंड इन स्टेबिलिटी

जो मंजरी भाव गोपी भाव राधा रानी का जो भाव है, वो है। उन्नत उज्जवल जिसका अंदर में जरा सा भी कोई कंटामिनेशन नहीं है जिसका अंदर में जरा सा भी कोई कंटामिनेशन कोई कोई सवाल ही नहीं है कंटामिनेशन नहीं है उन्नत एकदम ब्राइट उन्नत उज्जवल जिसमें कोई तमगुन का परछाई नहीं है जिसमें तमोग का कोई शैडो नहीं है नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है इवन स्मेल इज नॉट देर कंटमिनेशन दैट्स वाई हम लोग राधा रानी को उज्जेश्वरी राधा ऊर्जा भक्ति ऊर्जा मीन टॉप मोस्ट भक्ति अ ब्राइट दिस काइंड ऑफ प्यूरिटी इन इंफिनिटी वर्ल्ड इम्पॉसिबल दिस ऊर्जा बढ़त उज्जेश्वरी राधा इज कॉल्ड किया भक्ति सो सभक्ति श्रीयम भक्ति श्री भक्ति श्री भक्ति वी कैन ऑनर भक्ति हम लोग भक्ति को सम्मान करते हैं श्री श्री श्रीमण सौंदर्य उसी श्री ओम विष्णु पाद समाइम यू कैन फाइंड इन सम बुक्स श्री 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 सो श्री आफ्टर दैट अनंत श्री विभूषितो मानिक बहादुर राजा मानिक बहादुर त्रिपुरा किंग वाज अ ग्रेट वैष्णव त्रिपुरा किंग त्रिपुरा महाराज सो समबड़ी राइटिंग श्री 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 आफ्टर दैट अनंत श्री विभूषितो डेकोरेटेड विथ इनफिनिटी श्री डेकोरेटेड विथ इनफिनिटी श्री Si Raja Manik Bahadur. Right. Prabhupada was the teacher of his sons. Prince, prince. Prabhupada in the beginning when very small. Prabhupada was the tutor. Prabhupada used to teach them. Because a king used to give something he used to use for Bhagavad Seva. Prabhupada used to use for Bhagavad Seva.

कृष्ण हिमसेल भगवान हरि पुरट सुंदर दुदी कदम्ब संदीपित इट्स अ गोल्डन कंप्लेक्शन वी प्रे दैट पिक्चर गोल्डन अवतार ऑलवेज एपियर इन साइड अवर हार्ट फॉलो सदा हृदय कंदरे कंदर मीन इज अ केव इट इज इट कैन बी कंपेयर्ड विथ केव आवर हार्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ केव Inside that, we expect, we pray that Gauranga, oh, great illuminating, absolutely illuminating, golden avatar, we like to see all the time. Up to this point, today I like to stop and I like to again start from the beginning. Bande Guru no, Isho Bhaktyan Isho Mishavatar Kano Tat Tat Shaktihi Krishna Chaitanya Sangaka.